आर्टिकल 18 है ना, आर्टिकल क्या 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 का मतलब है उपाधियों का अंत। क्या है? हाँ, उपाधियों का अंत, हाँ, एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। ठीक है, इसको भी देखिएगा, चार खंडों में लिखा गया है, 18 का 1, 18 का 2, 18 का 3 और 18 का 4। यह सर ध्यान से समझना, उपाधियों का क्या यहां पर भाव है। जैसे पहले जब अंग्रेज यहां आए थे तो पता है क्या करते थे, यहां के जमींदारों को उपाधि दे दिया करते थे, जैसे नाइट का उपाधि नहीं, या राय बहादुर का उपाधि नहीं, रायचंद का उपाधि नहीं। जैसे मान लो कास में जमींदार होता तो अपना नाम कैसे बता रहा होता, नहीं, नीलेश प्रताप सिंह राय बहादुर गूंजता नहीं, गूंजता नाम। तो ये जो राय बहादुर, नाइट, रायचंद नहीं, चौधरी, ये सब जो उपाधियां दी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, ये समाज में क्या कर रहा था, ऊंच और नीच का भेदभाव पैदा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों से समाज में भेदभाव डालता है। इसलिए आर्टिकल 18 कहता है कि ये उपाधियों को भी क्यों ना उड़ा दिया जाए। काहे का तुम रायचंद, नहीं, तुम काहे का राय बहादुर, ये तो बताओ क्यों राय बहादुर नहीं। पहले जैसे कि हमारे पूर्वज लोग गांव में बैठो किसी बुजुर्गों के पास, एक खास करके हमारे साइड चले जाओ ठाकुरों वाले गांव में, तो आप देखोगे क्या नहीं, बैठते थे आपस में, लकड़ी जला के तापते थे, तो कहते थे, जानते हो हम लोग के दादा ऐसे जमींदार हुआ करते थे जिनके पास 500 एकड़ जमीन हुआ करता था। हम बोले अब तो बनियान भी नहीं मिल रहा। अरे हम पहले 500 एकड़ के मालिक थे, अब क्या हो ये तो बताओ। नहीं मतलब रस्सी जल गया लेकिन उसका ऐठन नहीं गया अभी तक, माने आज भी वो अपने आप का घमंड कहां से जोड़ के दिखा रहा है, पुराने टाइम से, कि दादा जमींदार थे, अरे तुम क्या हो। वैसे तो राहुल गांधी कहेगा कि हमारा नाना प्रधानमंत्री नहीं, हमारा दादा प्रधानमंत्री थे, हमारे पापा प्रधानमंत्री थे, हमारी दादी प्रधानमंत्री थी। ये तो उस क्वालिफिकेशन पे रेस्पेक्ट मिलेगा क्या राहुल गांधी को? उस क्वालिफिकेशन से तो राहुल गांधी को 5 बार प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, नहीं बन जाना चाहिए। दादा क्या थे, मम्मी क्या थे, उससे नहीं चलेगा आपका, आप क्या हो ये बताओ। और ये कब होगा, जब इन टाइटलों को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, हटाओ टाइटल्स को, ये रायचंद फायचंद कोई नहीं लगाएगा, नहीं हटाओ। आर्टिकल 18 इसी यही बात करता है, लगता है नहीं समझ रहे हैं, उपाधियों का अंत कराएगा आर्टिकल कौन 18। देखो आर्टिकल 18 का 1 क्या कहता है, विद्या, विद्या समझते हैं क्या, पढ़ाई लिखाई प्लस क्या, सैनिक, सैनिक समझते हैं जो बॉर्डर पर जाकर के क्या कर रहे हैं, इस देश का रक्षा कर रहे हैं। तो चाहे तो विद्या की बात हो या सैनिक की बात हो, इन दोनों को उपाधियां दिया जाएगा। मतलब इनको उपाधियों देने से रोका नहीं जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि विद्या के वजह से जो उपाधि मिलता है वो पापा और दादा के वजह से नहीं मिलता, ये तो अपना मेहनत है ना भाई, तो इससे तो समाज में कॉम्पिटिशन आएगा। लेकिन अगर तुम राय बहादुर रहने देते तो राय बहादुर का बेटा राय बहादुर कहलाता, उसका बेटा राय बहादुर कहलाता, लेकिन कोई व्यक्ति कंपटीशन करके राय बहादुर बन सकता था क्या? तो वैसे उपाधियों को हटा दिया गया। लेकिन जो उपाधि से समाज का विकास होगा, जैसे मान लो कि पीएचडी करने वाला को किसकी उपाधि मिलती है, डॉक्टर की, तो जब पीएचडी करने वाला व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि मिलती है तो यह शिक्षा के माध्यम से आया, लेकिन इस उपाधि को कोई भी ग्रहण कर सकता है, इस उपाधि को ग्रहण करने के चक्कर में कंपटीशन होगा, लोग पढ़ेंगे, समाज में शिक्षा का प्रसार होगा, समाज विकास करेगा। इसलिए शिक्षा के मामले में उपाधि देने से बैन नहीं। सैनिक में देश सेवा का भाव बढ़ेगा, जैसे आज के डेट में देखते हैं कोई भी सैनिक का आदर समाज में कितना है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है, और होना भी चाहिए। वो व्यक्ति 50,000-60,000 जो सैलरी दे रहे हो, इसके लिए थोड़े उस बॉर्डर पर शहीद होने के लिए गए हैं, बल्कि वो तो एक देश के गौरव के लिए गए हैं, एक राष्ट्र के लिए गए हैं, नहीं ये नेताओं की तरह बैठकर गाल थोड़े बजाते हैं वहां पर, वहां पर वो गोलियां चलाते हैं। तभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इनके लिए क्या इस्तेमाल किया मैंने, कि मरने के लिए उनको भेजना चाहिए, लेकिन मैं सेना के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तो उनके लिए कहता हूं कि ये तो बड़ा गौरव का बात है, आप समझ रहे हैं। तो सैनिक में उपाधि जो दिया जा रहा है, वीर चक्र, परम वीर चक्र, वो क्यों दिया जा रहा है, ताकि देश के जवान लोग प्रोत्साहित हों और प्रोत्साहित होकर के राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ें।
तो इससे कंपटीशन हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई जाति पाती है क्या? नहीं। यहां जात बात नहीं है, उपाधियां मिलेगी कंपटीशन वाला में मिलेगी, और ये दो ही है अभी, बाकी कोई उपाधि आपको नहीं मिलेगी। ये 18 का क्या है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 218 का 2 क्या कहता है सो समझिए। कोई भी भारत का व्यक्ति विदेशी पुरस्कार या गिफ्ट या विदेश के द्वारा दिया गया टाइटल को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई भी विदेशी के द्वारा दिया गया पुरस्कार टाइटल भारतीय व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 18 का 2 कहता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो टाइटल दे दे करके और हम ही लोगों में भेदभाव करवा देता है। जैसे किसी को राय बहादुर कह दिया और किसी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो राय बहादुर अपने आप को राय बहादुर समझने लगे, तो ये भेदभाव करवा देता है। इसलिए विदेशी के द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार टाइटल को भारत का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर करेगा भी तो देखो 18 के 3 में इसी का अपवाद है। मान लो कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अंदर में काम करता हो, कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही हो, और अगर उसी का देश का व्यक्ति अगर पुरस्कार दे रहा हो इसको, लेकिन ये जॉब कहां कर रहा हो, यहां, तो अपने देश के द्वारा दिया गया उपाधि को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति इसके लिए परमिशन ना दे दे। यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी हमारे यहां जॉब कर रहा है सरकार के अंदर, और वो विदेशी व्यक्ति को अगर दूसरा देश का भी कोई उपाधि दे रहा हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति इस बात के लिए परमिट ना कर दे। क्या समझ पा रहे हैं? 18 का 4 क्या कहता है कि चाहे तो देसी हो या विदेशी हो, मान लो इंडियन भी कोई अगर है, समझ रहे हैं, तो वो भी अगर विदेशी द्वारा दिया गया पुरस्कार को स्वीकार करे तो उसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति परमिट नहीं करेंगे तब तक 18 के 4 में किसके लिए, देसी और विदेशी दोनों, 18 के 3 में विदेशी के लिए अगर वो भारत के अंदर में काम कर रहा है तो, 18 के 2 में कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, और 18 के 1 में विद्या और सैनिक से रिलेटेड जो है क्या होगा, उपाधि दी जाएगी। ये उपाधि हम देते रहे। 1977 में किसकी सरकार बनी बच्चे? जनता दल की सरकार बनी, और इस समय प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उन्होंने विद्या और सैनिक वाला भी उपाधि को बंद कर दिया, बोला कि नहीं इससे भी समाज में भेदभाव बढ़ता है, और उन्होंने सैनिक और इसको भी क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो भारत के अंदर में 1977 से 80 तक 3 साल तक ये वाला पुरस्कार क्या हो गया था, बंद हो गया। 80 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, और इंदिरा गांधी ने वापस से इसको चालू करते हुए और कहा कि शिक्षा और सैनिक के जो पुरस्कार मिलते हैं वो खानदानी पुरस्कार नहीं है, ये तो उसके क्वालिटी के बेस पर मिलता है, और इससे समाज में अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जब हम पद्मश्री देते हैं तो हजारों बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं और वो भी आर्मी बनने का ख्वाब देखना शुरू करते हैं। इससे हमारी देश की नहीं सुरक्षा मजबूत होती है। और जब PhD की हम उपाधि देते हैं तो बच्चों के अंदर में पढ़ाई की भूख जगती है, और वो बच्चा जो है पढ़ता लिखता है तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो समाज को एक दिशा देता है। इसलिए शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में जो उपाधि दी जा रही है वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो क्या हमेशा से उपाधि देती जा रही? 3 साल बीच में क्या हो गया था, लॉक हो गया था, वो जनता दल की सरकार ने बंद कर दिया था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आर्टिकल 18